हेलो गाइज, नमस्कार। मनुपान ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइज, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि डिलीट ऐप वापस कैसे लाएं। तो बिना स्क्रिप्ट के हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आपको मैं लाइव बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप देखना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कोई भी एक एप्लीकेशन यहाँ से आपके सामने रेंडम में उठा के डिलीट कर देता हूँ इसे, ठीक है। आईमो उठा दिया, जिससे आईमो को मैं यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये अनइंस्टॉल हो चुका है तो अब मेरे फ़ोन में नहीं है। तो मैं यहाँ से प्ले स्टोर ढूँढूँगा सबसे पहले। तो जैसे मैं प्ले स्टोर पर क्लिक करूँगा, तो प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च बार में यहाँ पर टाइप करूँगा IMO। तो IMO मैं यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टाइप करने के बाद IMO यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। कई कंडीशन ऐसी भी होती है कि हमें गलती से कोई भी ऐप डिलीट हो चुका है और हमें उसका नाम नहीं पता, तो उसे भी हम दूसरी तरीके से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना होगा उसके लिए, सबसे पहले हमें फिर दोबारा यहाँ प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप कॉर्नर में जो आपका जीमेल आईडी है उसका लोगो शो होगा। अगर आपका जीमेल आईडी में फ़ोटो होगा तो फ़ोटो शो होगा। हमें इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके सामने फिर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और सबसे टॉप में जो लिखा हुआ माई ऐप एंड गेम्स पर क्लिक करना है। जैसे आप माई ऐप एंड गेम पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपके सामने जितना भी ऐप है वो डाउनलोड हुए ऐप सब हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जानना है ऊपर टॉप में जो तीसरे नंबर का है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पे जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपके सामने फिर इस प्रकार इंटरफेस ओपन हो गया है। तो जैसे आपने जो भी ऐप आपने डिलीट किया था, अनइंस्टॉल हो गया, गलती से हुआ या कैसे हुआ, वो आपके सामने इस प्रकार यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हमें उसे वापस लाना है, रिकवर करना है, तो अब यहाँ से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसे लगी? तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइज, अगर कुछ भी आपके क्वेरी होगी तो मुझे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।